रुद्रप्रयाग में धनतेरस पर जहां बाजारों में सामान खरीदने को लेकर भीड़ उमड़ पड़ी, तो वहीं जनपद पुलिस ने भी 64 लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाकर उनके खोए कीमती मोबाइलों को वापस लौटाकर उन्हें धनतेरस और दीपावली का तोहफा दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़ी ने बताया कि जनपद के निवासियों समेत चार धाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं जिनके किसी कारणवश मोबाइल फोन खो गए थे और उनके स्तर से काफ़ी ढूंढ खोज करने के बाद भी नहीं मिली थी, उसके बाद लोगों ने अपनी नज़दीकी पुलिस थाने और चौकियों पर शिकायत दर्ज करवाई। इन खोए हुए मोबाइल फोनों की खोज के लिए जिले की साइबर सेल और थाना पुलिस के अथक प्रयासों से 64 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसपी ने सर्विलांस सेल टीम को नगद पारितोषित प्रदान किए जाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 119 खोए फोन बरामद कर लौटाए गए हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू 23 लाख रुपए है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज से मैं 11 महीने पहले हम तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने गए थे, तो रास्ते में ये मेरा वन प्लस का फ़ोन जिसकी कीमत की 35,000 रुपये थी, मात्र 3 दिन हुए थे लेने के, तो छूट गया था। हम घर वापस आए, थोड़ा बहुत ढूंढा, लेकिन उम्मीद खो दी थी हमने कि नहीं मिलेगा ये। अब किसी ने बताया कि उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसका बिल भेजना है और मिल जाता है। मुझे पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि, और आज धनतेरस का दिन है तो 35,000 का गिफ्ट मिला है हमें, क्योंकि खोई हुई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन रुद्रप्रयाग पुलिस ने हमें वो 35,000 रुपये आज गिफ्ट में दिए हैं। देखिए, धनतेरस के आज के त्यौहार के दिन जो है पुलिस द्वारा, रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा जो व्यक्तियों के या यात्रियों के खोए हुए फ़ोन थे उसको वापस किया गया है। लगभग 64 फ़ोन को जो है आज हमने यहाँ पे बरामद किया है और उसका वितरण जिन व्यक्तियों का था, जो स्थानीय नागरिकों का था, उनको दिया गया है। ये लगभग 12.5 लाख से भी ज़्यादा लागत की ये मोबाइल फ़ोन है। ये सारी कंपनियों के ये फ़ोन हैं जिसमें काफ़ी स्मार्टफोन, नए एडवांस फीचर वाले स्मार्टफोन भी इसमें हैं, और ये जो भी स्थानीय निवासी है इनको हम यहाँ पे स्थानीय लेवल पे जो ये फ़ोन जो है बांटेंगे, और जो बाहरी व्यक्ति है उनको हम कुरियर के द्वारा जो